वंदे मातरम। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ मनी को मॉनेटरी इकोनॉमिक्स में। अब हम इसकी चर्चा करेंगे कि मनी कैसे, आपने देखा होगा हमने जब मनी का इतिहास बताया, मुद्रा का इतिहास बताया, तो हम सबसे पहले बताया कमोडिटी, उसके बाद मेटालिक एज, इसे कम जो कमोडिटी है उसे प्री मेटालिक एज बोलते हैं, उसके बाद मेटालिक एज आया, पेपर मनी आया, पेपर मनी के बाद बहुत सारे मनी आए, उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर मनी के फॉर्म में देखें, टाइप ऑफ मनी में, वो है कमोडिटी मनी, अर्थात जो कमोडिटी है ना वो मनी के रूप में काम करती है। ठीक है, तो इसमें हम सबसे पहले आप जानते हैं ना कि पशुओं को व्यापार के रूप में समझा जाता था, व्यापार किया जाता पशु से। ऋग्वेदिक काल की चर्चा अगर आप ध्यान से देखिएगा, ऋग्वेदिक काल को उसमें क्या किया जाता था, पशुओं को माध्यम बनाया जाता था, किसका, विनिमय का। तो विनिमय का माध्यम किसका है, मनी का, वही ध्यान दीजिएगा। तो मैं उसको किया जाता था पशुओं को, और बहुत सारे बाद में उसके छाल का प्रयोग किया जाने लगा, तो एक्सेट्रा, दैट इज कमोडिटी मनी। ठीक है, उसके बाद जिसे हम प्री मेटालिक एज भी बोलते हैं, ठीक है, या प्री मेटालिक मनी। अब आ जाएगा मेटल मनी या मेटालिक मनी। जो मेटालिक मनी है इसमें धातुएं हैं, जैसे मान लीजिए कि सोना है, चांदी है, तांबा है, इसके रूप में मुद्रा का बनाया जाता था। अब जैसे मान लीजिए यूनानियों ने बनाया था शुद्ध सोने का सिक्का, फिर कुषाण ने बनाया था सोने का सिक्का। ठीक है, कुषाणों ने भी चलाया था सर्वाधिक सोने का सिक्का। बाद में गुप्त काल में भी देखिएगा, गुप्त काल में सर्वाधिक चला, लेकिन मिश्रित था वो अलग था, वो मिश्रित था, उसे द्वि धातुमान बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे इधर इज मेटालिक। ठीक है, अब जब मेटालिक इज है, अब इसमें क्या था, मेटालिक मनी में सोना है, चांदी है, तांबा है, इत्यादि। ठीक है, ये मेटालिक मनी। इसमें फेस वैल्यू की ध्यान दीजिएगा, फेस वैल्यू प्लस इंटरनल वैल्यू या इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, एक होता है। ठीक है, फेस वैल्यू मतलब जो हमें दिखता है, और इंट्रिंसिक मतलब उसका जो अंदरूनी पैसा है। ठीक है, तो दोनों एक होता है। अब इसके अलावा हम आ जाएंगे पेपर मनी में, पहला दूसरा नंबर थर्ड इज पेपर मनी। पेपर मनी वह होता है जैसे मान लीजिए पेपर के फॉर्म में होता है, इसका जो फेस वैल्यू होता है ना, फेस वैल्यू इज हाई, फेस वैल्यू बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन इंटरनल या इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, नगण्य होता है, मतलब ना के बराबर होता है। एक कागज के टुकड़े का मूल्य कुछ नहीं है, लेकिन जब सरकार ने लीगल कर दिया तो उसका फेस वैल्यू 2,000 रुपया हो गया। बस एग्जाम्पल वही है। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी, फेस वैल्यू का क्या मतलब है। एक मुद्रा का मतलब कितने रुपए में वर्तमान में चल रहा है। जैसे मान लीजिए 100 का नोट है ना, तो 100 का नोट में अगर आप 100 रुपये का सामान ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर सरकार उसे मतलब उसके जो लीगल टेंडर हटा दे तो क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए सरकार ने उसे लीगल टेंडर खत्म कर दिया कि इसका वैल्यू अब कुछ नहीं है, तो अब एक कागज को अगर कहीं कबाड़ी बेचने जाएंगे क्या मिलेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं है। वो कौन सा वैल्यू है, इंटरनल वैल्यू, अर्थात कागज का इंटरनल वैल्यू, आंतरिक वैल्यू कुछ नहीं है कागज के रूप में। लेकिन जैसे उसके 100 रुपया अंकित हो जाता है और लीगल टेंडर हो जाता है, आरबीआई के गवर्नर के द्वारा, भारत की बात करें तो आरबीआई के गवर्नर के द्वारा हस्ताक्षर कर दिया जाता है, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 100 रुपये की वैल्यू, दैट इज फेस वैल्यू। ठीक है, पेपर वैल्यू हो गया। ठीक है, अब हम देखेंगे ऑप्शन वैल्यू, ऑप्शन मुद्रा। ठीक है, ऑप्शन मनी क्या है, ऑप्शन मनी वह होता है जो हम मुद्रा के बदले काम करता है, दैट इज जिसे हम बैंक मनी भी बोलते हैं, बैंक मनी, जिसे हम बोलते हैं चेक, उसके अलावा बिल, ये सारे क्या हैं, ऑप्शन मनी है, जो मुद्रा के रूप में ही काम करते हैं, लेकिन मुद्रा वास्तव में मतलब चेक, इसे हम मुद्रा के रूप में जो काम करते हैं। ठीक है, जैसे हम चेक बोलते हैं, चेक क्या करता है, मान लीजिए 100 रुपये का अगर आप चेक काट के दे दिए किसी को और फिर वो गया बैंक से निकाल लिया, इसका मतलब जो चेक था वो क्या था, मुद्रा ही तो था, उसके बदले फिर पैसा मिल गया, दैट इज उसी के हम ऑप्शन मनी बोलते हैं। उसके अलावा हम पांचवे पे आते हैं, दैट इज इनपुट मनी, और छठा है आउटपुट मनी, इसको हम समझाएंगे, अगर आपको दिख रहा हो तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो हम इसको समझा देंगे। एक है इनपुट मनी, एक आउटपुट मनी। ठीक है, 5 नंबर और 6 नंबर में। इनपुट मनी वो होता है जिसमें लाइबिलिटी क्रिएट होती है, जो लाइबिलिटी देती है, जैसे मान लीजिए कि बैंक के पास आपने जो पैसा दिया ना, दैट इज क्या है, वो इनपुट मनी है। क्यों, क्योंकि उससे बैंक क्या करेगा, साख सृजित करेगा, क्रेडिट क्रिएशन करेगा। कोई भी देखिए, वो किसी के द्वारा हो सकता है, या तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, नॉन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, अर्थात गैर वित्तीय संस्थान हो, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, या तो बैंक के द्वारा हो या गैर वित्तीय संस्थान के द्वारा। ठीक है, बस इसीलिए इनपुट उसके द्वारा, अगर मतलब जो पैसा जिसके द्वारा लाइबिलिटी क्रिएट होती है, देयता होता है, जैसे मान लीजिए आपने बैंक के पास दिया और देयता उसमें क्रिएट हुई, कि वो आपको कुछ पैसा एक्स्ट्रा देता है ना, जैसे ब्याज के रूप में, दैट इज लाइबिलिटी। तो उसके रूप में अगर आपको देता है तो वो क्या है, इनपुट मनी है। और उससे क्यों देता है, क्योंकि उससे वो अपना साख का निर्माण करता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा।
उसके बाद आउटपुट मनी क्या है, आउटपुट मनी वह मुद्रा होती है जिसको गवर्नमेंट जारी करती है और उसमें कोई लाइबिलिटीज नहीं होती। और ये भी नहीं है कि केवल ये भी जरूरी नहीं है कि गवर्नमेंट ही जारी करे, लेकिन वास्तव में गवर्नमेंट ही जारी करती है क्योंकि उसमें साख सृजित होता नहीं। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट ना करे तो कौन लेगा उसको, तो कोई लेगा भी तो नहीं, इसलिए गवर्नमेंट जारी करती है आउटपुट मनी को। और इसका जो देखिए इसका कॉन्सेप्ट भी पूछा जा सकता है कि किसने दिया इनपुट और आउटपुट मनी को, तो गुरले एंड शाह दो अर्थशास्त्री थे जिन्होंने इसको दिया था इनपुट और आउटपुट मुद्रा को। ठीक है, अब आउटपुट मुद्रा केवल गवर्नमेंट जारी इसलिए करती है क्योंकि उसमें क्या होता है लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होता, देता उसमें उसके देने के लिए कोई बाध्यता नहीं है कि उसमें से वो पैसा वो देगी। ठीक है, मतलब लाइबिलिटी देगी, ब्याज दर इत्यादि देगी, लेकिन वो ब्याज दर इत्यादि नहीं देती है। हमारे लीगल टेंडर मनी जब वो छापती है तब, ठीक है, उस ब्याज थोड़ी देती है। अब इसके अलावा कई मुद्रा है, जैसे कि इसके अलावा आ जाएगा बिटकॉइन, डिजिटल मनी। आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ इज टेकिंग स्क्रीनशॉट फ्रॉम देम, देन वी प्रोसीड। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम इसको इरेज कर लेते हैं और फिर हम आगे देखते हैं। चलिए, तो हम देखते हैं बिटकॉइन को। इसके पहले एक और मुद्रा है, सबसे पहले जो सेवन एट नंबर में आएगा, सेवन या एट है, ध्यान देख लीजिएगा इसको। हम इसको सेवन ले लेते हैं। ये है नियर मनी, नियर। और एक और है जिसको हम बोल रहे हैं बिटकॉइन, बिटकॉइन या वर्चुअल मनी, या डिजिटल मनी। ठीक है, डिजिटल मनी। आई होप अब यू हैव टू वेरी वेरी इजीली अंडरस्टैंड दिस थिंग्स, आपको बहुत आसानी से समझ में आ रही होगी ये सारी चीज़ें। ठीक है, इसको हिंदी और इंग्लिश में इसलिए चल रहा है क्योंकि दोनों कैटेगरी के बच्चे इसको देखते हैं, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको जानना। तो नियर मनी क्या है, नियर मनी देखिए लिक्विडिटी के आधार पर तय किया जाता है, जैसे जो हाई कैश वैल्यू होता है, जिसको जो कैश वैल्यू के जितने नज़दीक होता है, जैसे कैश मनी है ना रुपया, तो रुपया से तुरंत आप कुछ खरीद सकते हैं। ठीक है, तो उसके नज़दीक जो है, जैसे मान लीजिए सोना चांदी है और बहुत सारी चीज़ें हैं, सोना चांदी कापर इत्यादि ऐसे धातु हैं जिसको आपको मतलब उस वो मुद्रा के रूप में, कैश के रूप में तो नहीं है, लेकिन वो मतलब बहुत जल्दी क्या होता है कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं उसको बहुत जल्दी, दैट इज नियर मनी। इसके पहले वाली वीडियो में हमने देखा, अगर आप देखेंगे तो उसमें हमने बता दिया है लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है। ठीक है, जॉनसन ने दिया था, अगर पिछली वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें दिया गया है कि व्हाट इज लिक्विडिटी। वैसे हम बता दे रहे हैं कि जो तरलता का मतलब क्या है, जॉनसन ने इसको जॉनसन ने बताया था। तरलता का मतलब, तरलता का मतलब ये होता है कि किसी भी वस्तु को मतलब तरल तब कहेंगे, तरल डिग्री। आप देखिए तरलता का, तरलता को हम बोलते हैं लिक्विडिटी, और एक होता है डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, मतलब किसी भी वस्तु को सबसे ज़्यादा तरल कब कहेंगे, जब इसमें दो गुण पाया जाता है। सबसे पहला ये है कि मूल्य का ह्रास कम हो, मूल्य का ह्रास, और दूसरा टाइम कम लगे, समय। समय दो चीज़ों को के आधार पर तरलता को तय किया जाता है, मतलब कोई भी चीज़ जैसे फोन है उसको जब मूल्य में कन्वर्ट कर सकते हैं, और जब मूल्य में कन्वर्ट करें तो अगर 10,000 का फोन है तो मतलब जितना 10,000 का फोन अगर 5,000 में मिला तो डिग्री ऑफ लिक्विडिटी क्या है, कम है। लेकिन अगर 10,000 का फोन है 9,000 में मिला, डिग्री ऑफ लिक्विडिटी क्या है, बहुत अधिक है, क्योंकि वो कैश के बहुत नज़दीक है। ठीक है, और एक है समय, कि समय उसमें कितना लगता है, सोने चांदी को कन्वर्ट करने में बहुत कम समय लगता है, और जो बड़ी बड़ी चीज़ें जैसे घड़ी इत्यादि, पंखा कूलर इत्यादि को पैसे में कन्वर्ट करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है। तो ये दोनों चीज़ें जिसमें जितना कम रहेगी में से कि लगेंगी वो हाई लिक्विडिटी कहलाएगा। ठीक है, इसे जॉनसन ने बताया था। आई होप आप लोगों को पूरा समझ में आया हो। तो इसी के आधार पे नियर मनी को तय किया गया। लास्ट में देखेंगे बिटकॉइन, तो बिटकॉइन वो होता है डिजिटल मनी होता है जिसकी खोज अगर आप देखें तो जापान में किया गया था, 2008 में आया था, लेकिन 2009 में मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में काम करने लगा। इसे डिजिटल मनी कहते हैं, वर्चुअल मनी इसलिए कहते हैं कि वर्चुअल मनी का मतलब ये होता है कि आप इसे छू नहीं सकते हाथ से, हाँ, चूँकि ये विनिमय का माध्यम है। भारत सरकार ने ये कदम उठाया है वर्चुअल मनी जारी करने के लिए, इसलिए उठाया है कि वर्चुअल मनी जारी करने के या डिजिटल मुद्रा जारी करने के बहुत लाभ हैं। ठीक है, वर्तमान समय में सारी दुनिया पोल्यूशन अर्थात प्रदूषण से ग्रसित है, इस समस्या को दूर करने के लिए ये डिजिटल मनी का स्टेप कदम उठाया जा रहा है।
क्योंकि जो बिटकॉइन है वो इलीगल है, इसलिए इलीगल है कि उसमें जो ट्रांजेक्शन है उसका पता नहीं चलता, उसके मालिक का कोई पता नहीं है, इसलिए इलीगल है। लेकिन भारत में जो होगा वो लीगल टेंडर होगा, क्योंकि गवर्नमेंट के सपोर्ट से उसको जारी किया जाएगा। ठीक है, अब इससे लाभ क्या क्या है वर्चुअल मनी के, तो इसके लाभ ये है कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इसमें पेड़ नहीं काटे जाएंगे कागज़ के लिए, और उसके अलावा इसमें पैसे भी कम लगेंगे, सॉफ्टवेयर की मदद से डेवलप किया जाएगा, टाइम भी कम लगेगा, तो बहुत बढ़िया इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है। तो सारी चीज़ें इसमें प्राप्त की जा रही हैं, पाई जा रही हैं, इसलिए बिटकॉइन को हम मतलब बिटकॉइन डिजिटल मनी है। तो इसीलिए भारत सरकार ने अर्थात मोदी सरकार ने प्रयास किया है कि लाने के लिए इसको डिजिटल मनी को। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें सारी मुद्रा के बारे में समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं कि पेपर मनी, हमने देखा है पेपर मनी वो क्या होता है। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर ढंग से समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही, वंदे मातरम।